बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं बर्ड्स केयर चैनल, और मैं हूं आपका दोस्त वसीम। लें जी, एक बहुत बड़ा नुकसान कप्तान जी का हो गया है। क्या हुआ क्या है, कप्तान जी के कबूतर हो गए हैं चोरी। और ये देखें, ये जंजीर थी और इसको दीवार पे इसका लगाया गया था। ये कारखाना नीचे, आज कारखाना बंद था, इस वजह से कप्तान जी के कबूतरों की हो गई है चोरी। रावल बोल्ट दीवार पर लगाया गया था, वो उन्होंने तोड़ने के बाद सीढ़ी को छत पर लगा दिया। और छत पे चल के दिखाते हैं कि छत पे हुआ क्या है। अब कप्तान जी साहब चलते हैं छत पे, दिखाते हैं क्या पूरा हुआ। जो है ना, यहाँ से एक जाली, ये देखें ना, ये आम जाली नहीं है, मजबूत जाली है, ये कटर से कटी हुई है। ये देखें, ये ना कटर से काटी गई है, कटर किसी बड़े कटर से ना ये जाली काटी गई। ये देखें, ये पूरा यहाँ से जो है ना बंदा अंदर दाखिल हो सकता है। पहले उसने ना ये देखें, इससे पहले ये भी काटी है उसने, ये देखें, ये देखें, यहाँ से सोचा है ये कटी है, देखे ना फ्रेश हुई कटी। हाँ जी, ये कटी हुई है कटर से। ये इधर जाली भी हार्ड है, और दूसरा यहाँ से अंदर घुसने के चांस नहीं थे। यहाँ से उसने ये ट्राई मारी होगी कि यहाँ से घुस जाऊँ मैं, पर वो कटी नहीं होगी, जाली जरा हार्ड है ये वाली चाइना की। उसके बहुत से दोस्तों को जब खबर हुई होगी कि कप्तान जी के कबूतर चोरी होंगे, तो बहुत से दोस्त खुश भी हुए होंगे। दुश्मन मरे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। भाई मेरे दोस्तों, ये देखें कितनी बड़ी कट करके जाली उन्होंने कबूतर कप्तान जी के ज़ाया कर दिए हैं। कुछ कबूतर वो ले गया है, कुछ कबूतर ज़ाया भी यकीनन हो गए होंगे। चेक करें कितना बड़ा ये गैप है। और जो दोस्त चैनल पे नए हैं, रिक्वेस्ट लाइक करें, शेयर करें और कप्तान जी को हौसला दें। अगर वही बात आ जाती है ना कि हम लोग ना दीन से हट गए हैं, और ये नहीं देखते कि ये कबूतर कितने दिन कितने का बेच ले गए। और दोस्तों एक चीज़ और होती है कि चोरी का माल जो होता है ना, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। वो 300 का, 400 का, 500 का बेच लेगा, जो मेरा 10,000 रुपये का जोड़ा था। ये चोरी का माल तो फिर चोरी का ऐसे ही जाता है ना। तो यार बस हम अभी भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला यार हमें हिदायत दे। हो सकता कोई हमारी कोताही है जो हमें अल्लाह ने सजा दी है, पर एक चीज़ है उसका कभी पूरा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। ये मेरी अल्लाह से दुआ है, जो मेरे साथ की जिसने भी बुरा किया है ना, वो अल्लाह ने उसका बुरा किया है, अल्लाह ही बुरा करने वाला है। इन लोगों का जो ऐसे बेगैरत किस्म के लोग हैं, उसको ये शर्म नहीं है। ये यार मेरा तो जरिया माश ही यही है यार, बिल्कुल ऐसे ही। कोई बच्चे यानी कि है, एक मिसेज बीमार है, वो आपको पता ही है सबको है। आज उसको इसी दुख में मैंने आज लेकर जाना था। अच्छा। आज मैं लेकर ही नहीं गया, दिल ही नहीं करा, खुदा की कसम, यकीन करें दिल ही नहीं करा। और बस अब क्या इतनी मेरी यानी कि कहाँ जाकर मैं यानी कि पकड़ता हूँ कबूतर। यार 60 साल मेरी उम्र है, मेरा भी दिल करता है कि मेरे कोई बेटे बूटे होते वो भी मुझे बैठ के खाना खिलाते। यार कहाँ कहाँ मैं फिर रहा होता हूँ, कहीं कार को करवाने जा रहा होता हूँ, कहीं जा रहा हूँ, कोई अच्छा कहता कोई बुरा कहता है, यानी कि बस जिसकी जैसी सोच है हर बंदा अपने लिहाज से जो है ना कमेंट पास करता रहता है। तो बस ना यानी कि अभी मैं आप आज ये आप एक इंकशाफ करूँ ना आपको, आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये कप्तान क्या। मैं इसलिए नहीं वो इंकशाफ करता, लेडीज वगैरह फैमिली में लोग देखते हैं, मेरे इतनी हरनी है, इतनी हैवी किस्म की मेरे हरनी है, और वो किसी वक्त भी फट सकती है जितनी हरनी है वो। अच्छा। तो फिर भी मैं पेड़ लगा हुआ, भाई बच्चों का खर्चा है, बीवी के दवाइयों का खर्चा है, अपना शुगर पेशेंट बनते हैं। तो यानी कि मैं आपको क्या मैं बताऊँ।